पिपरिया रेलवे स्टेशन पर करीब 2 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण सांसद राव उदय प्रताप सिंह और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया। इसमें वाईफाई डिस्प्ले बोर्ड और रिटायरिंग रूम शामिल हैं। 60 लाख रुपए की लागत से ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, 40 लाख से वाईफाई सिस्टम और 1 करोड़ की लागत से रिटायरिंग रूम का लोकार्पण किया गया। रात में यात्री इस रिटायरिंग रूम में रुक सकेंगे। पहले रात्रि विश्राम की सुविधा स्टेशन पर नहीं थी। पचमढ़ी के लिहाज से पिपरिया रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण है। सांसद ने बताया पिपरिया में पूरी वलसाड एक्सप्रेस का स्टॉपेज मंजूर आ गया है। अगले शुक्रवार से यह ट्रेन पिपरिया रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन के स्टॉपेज की मांग थी जिसे सांसद ने पूरा कराया। शुक्रवार और बुधवार को यह ट्रेन पिपरिया रुकेगी। सांसद ने पिपरिया से जबलपुर के बीच हुए रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा ट्रेनें बिजली इंजन से चलने लगी हैं। इसके अलावा उन्होंने बागरा के पास सिंगल लाइन को डबल करने के लिए चल रहे काम का भी जिक्र किया। सिंगल लाइन होने से ट्रेनें रुक रुक गुजरती थी। काम होने के बाद बिना रुके ट्रेनें निकल सकेंगी। पिपरिया से सुशील पटवा की रिपोर्ट।